हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकअप24। फ्रेंड्स, मैं आज पहली बार हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा हिंदी उतना भी अच्छा नहीं है, थोड़ा सा वीक है क्योंकि मैं बंगाली हूँ। तो आपके लिए मैं बंगाली में सबटाइटल्स डाल दूँगा, आप वीडियो को पूरी तरह से समझ सकेंगे जिनको हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत आता है। तो मैं एक पोल डाल दूँगा, यहाँ पर एक आई बटन आएगा और आई बटन पे आप क्लिक करके मुझे वोट कर सकते हैं कि मैं आगे वीडियो हिंदी में बनाऊं या बंगाली में। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक हमारे हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप वो अगर चेक करेंगे एक बार तो आपको दिखेगा कि सेम नंबर की कई कॉपियाँ हैं। मतलब कि एक तो आपके सिम कार्ड में रहेगा और दूसरे जो आपकी फ़ोन स्टोरेज है वहाँ पर रहेगा, लेकिन होना चाहिए तो दो, मतलब सिम कार्ड पे एक और फ़ोन स्टोरेज पे एक। मतलब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं अगर, तो व्हाट्सएप के लिए एक कॉपी फ़ोन स्टोरेज में चला जाएगा। यही है रूल्स। तो अगर आप देखें कि आपकी कॉन्टैक्ट में सेम नंबर की कई कॉपियाँ हैं, तो उन्हें तो मार्क कर कर के मतलब डिलीट करने में थोड़ी से दिक्कत तो होगा ही। तो एक ही क्लिक में आप पूरा का पूरा जो डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट है, मतलब कॉपियां जो है, उसे डिलीट कर पाएंगे। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आप लिखेंगे डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट रिमूवर, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं। डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट रिमूवर जो है, उसे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं सीधे से ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टॉप हो गया, ये हो सकता है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है इसीलिए ऐसा हुआ। तो स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से आगे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मुझे यहाँ पर स्क्रीन शॉट्स की मदद लेना पड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे 633 कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, जो कि सिर्फ कॉपियाँ हैं, मतलब कि डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट्स। और इन्हें मुझे डिलीट करने के लिए सिंपली जो ऊपर डिलीट का आइकन है वहाँ पर प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद ये कन्फर्मेशन मैसेज आएगा, तो यहाँ पर सिंपली यस करना होगा। यस करने के बाद ये डिलीटिंग प्रोसेस चालू कर देगा। ये डिलीट हो रहा है और डिलीट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे 633 कॉन्टैक्ट डिलीट हो चुके हैं। और मज़े की बात तो ये है कि ये मेरे मेमोरी कार्ड में सेव भी हो गया, ताकि मैं दोबारा भविष्य में इन्हें निकाल कर अपने कॉन्टैक्ट्स में फिर से ऐड कर पाऊँ। शुक्रिया दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करके उसके बगल में एक नोटिफिकेशन का बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर देना, तो मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप मेरा वीडियो का लाभ सबसे पहले उठा पाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आगे चल के मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।